हेलो स्टूडेंट्स, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया नीट की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं और घर बैठे बैठे नीट की प्रिपरेशन की बात हो रही है। अभ्युदय भी हमारे साथ हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं सरकार की हो रही हैं जिससे गरीब बच्चों को मदद मिल सके, और इसी भावना के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ी हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि बच्चों को अच्छे से अच्छी जानकारी नीट के लिए मिल पाए। जो बच्चे बहुत महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें प्रॉपर जानकारियाँ नहीं मिल सकती हैं, उसके लिए हम लोग सामने आए हैं यहाँ पर। और हम आज बात करेंगे टैक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स की। देखिए, टैक्सोनॉमी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसके टर्म से आते हैं, उसके डेफिनेशन से आते हैं, उसके प्रोसीजर से आते हैं। तो यहाँ पे हम टैक्सोनॉमी जो टर्म है उसका जो हम अगर वर्ड देखें तो वो एक, यहाँ पे देखिए, ये एक ग्रीक वर्ड है। देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ग्रीक वर्ड है और सिस्टमैटिक्स एक लैटिन वर्ड है, दोनों ही डेड लैंग्वेजेस हैं। तो खैर, इसमें लैंग्वेज की बात नहीं है, यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस टैक्सोनॉमी शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, टैक्सोनॉमी जो टैक्सोनॉमी वर्ड है उसमें जो टैक्सेस है, इसमें जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो ग्रीक वर्ड है टैक्सेस, इसका मतलब है अरेंजमेंट। टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब होता है, नॉमी का मतलब होता है लॉस। यानी हम पीपी की बात करते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, यानी स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें आएंगी आपके कॉन्सेप्ट्स की। यहाँ पे जो टैक्सोनॉमी टर्म है जिसमें किसने दिया था, इससे एक प्रश्न नीट का बनता है, जिसमें एपीडी केंडोली साहब ने इस टर्म को दिया था, टैक्सोनॉमी टर्म को। और लेटर ऑन ये जो आपके कैरोलस लीनियस थे, जिनको फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी जो है वो सांता पाउजी को कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि टर्म एपीडी कैंडोली ने दिया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी आपके कैरोलस लीनियस साहब ने दिया, एंड देन उसके बाद फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो सांता पाउजी साहब ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपीडी केंडोली साहब ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था थियोरीज ऑफ एलिमेंटेयर डी ला बोटाने, जिसका मतलब होता है थियोरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक है, तो इस तरह की उन्होंने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें दिया टैक्सोनॉमी में, जिसमें उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया, अरेंज किया, ठीक है, क्लासीफाई किया। ठीक, तो ये जो टैक्सोनॉमी होता है ये क्या होता है, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। और सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, देखिए सिस्टमैटिक्स में हम टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को देखते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, जो इवोल्यूशन मतलब किस तरह से कोई प्लांट जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उस आधार पे हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो सिस्टमैटिक्स में हम पढ़ेंगे, सिस्टिमा वर्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे किससे होगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसे सिस्टमैटिक्स में एक टर्म आएगा आपका नियो सिस्टमैटिक्स, जो कि नीट के एग्जाम में आपके आता है, और ये सिस्टमैटिक्स टर्म भी कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था। तो कैरोलस लीनियस साहब का टैक्सोनॉमी के फील्ड में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और नियो सिस्टमैटिक्स वर्ड जो है, नियो सिस्टमैटिक आपका जो साइंस है, विच इज द ब्रांच ऑफ सिस्टमैटिक्स, देखिए ब्रांचेस बहुत सारी हैं, लेकिन नियो सिस्टमैटिक्स चूंकि नीट में क्वेश्चन इससे आया हुआ है, इसलिए केवल हम इसी को पढ़ेंगे कि ये टैक्सोनॉमी होगी, देन इसमें सिस्टमैटिक्स भी होगा, एंड देन इसमें जेनेटिक रिलेशनशिप, यानी टेक्सोनॉमी प्लस सिस्टमैटिक्स प्लस जेनेटिक रिलेशनशिप एंड आपका एक्सपेरिमेंटल बॉटनी की यदि हम बात करेंगे तो इस समय हम कहेंगे कि ये आपका नियो सिस्टमैटिक्स है। तो ओवरऑल अगर हम क्वेश्चंस को व्यू करें तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें इस टेक्सोनॉमी को समझना है, जिसमें हमने बताया कि जो टेक्सोनॉमी है वो क्या करती है, वो किसी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करती है, क्लासीफाई करती है, उसे अरेंज करती है, उसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो हम यहां बात करते हैं कि मान लीजिए कोई प्लांट है और हम उसे कहीं से ढूंढे, मान लीजिए हम अपनी बात करते हैं कि हमें कोई प्लांट ढूंढना, तो हम कहते हैं कि भाई विश्व का जो रिच बायोडाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब अगर इंडिया की बात करें तो आपके अंडमान निकोबार साइड में,
आप ब्रह्मपुत्र वैली साइड में देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र पुत्रा साइड में देख सकते हैं। देन अगर आप वहाँ से चले महाराष्ट्र से होते हुए तो साउथ में हम अगर जाएं तो वहाँ पर भी हमारे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट में क्या है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो उस डाइवर्सिटी में हमारा मन किया चलो भाई हम रिसर्च करते हैं, प्लांट्स में 0.5 मिलियन ही हो जा गया, चलो हम कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें। तो हम रेन फॉरेस्ट में गए और हमने एक प्लांट खोज लिया, देखा। जब उस प्लांट को हमने देखा तो हमें ऐसा, मान लीजिए हमें वो प्लांट किसी जैसे घर में हमारे कुछ भी कोई सब्जी, मान लीजिए हम आलू का प्लांटेशन करते हैं तो आलू को हम देखते हैं कि आलू बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। तो हमने देखा कि यार इसके जो कैरेक्टर्स हैं ये कुछ कुछ जो है सोलेनेसी की तरह लग रहे हैं, कि इसमें ऑब्लिक प्लेसेंटा है, स्वेलिंग प्लेसेंटा है, ठीक है। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं, उसको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं। फिर उसके कैरेक्टर्स को पढ़ने के बाद हम उसमें कहते हैं कि भाई इसमें हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, कुछ नाम देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको हम किसी ग्रुप में डाल देते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई ये जो टैक्सोनॉमी है वो काम करता है CINCP, यानी हम किसी के कैरेक्टर्स को देखते हैं, देन उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको हम नाम देते हैं, फिर उसको हम किसी ग्रुप में डालते हैं। तो देखिए इन सारी चीज़ों को, ये तीनों जो हम चीज़ें बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन में हम करते क्या है, हम कंपैरिजन करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज को, और नॉमिनक्लेचर में हम क्या करते हैं, नेमिंग देते हैं, नेम करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, ठीक। और फिर उसके बाद हम उसको किसी ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, तो हम कहते हैं ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो हमने क्या किया, हम CNG, यानी हम जब टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं और हमें किसी प्लांट या एनिमल को हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, देन उसका कंपैरिजन करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से। जैसे मान लीजिए मुझे आलू की तरह लग रहा था, तो सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं, चाहे बैगन है चाहे आलू है, आलू आपका सोलेनम ट्यूबोरसम, बैगन आपका सोलेनम मेलोंजिना, फिर या तो सोलेनम नाइग्रम ले लीजिए, ठीक है, या और भी मेंबर्स जो है उन सबसे हम कंपेयर करेंगे, एंड फिर उसको हम कोई एक्स नाम दिया। मान लीजिए हमने कहा कि ये फलाना इसका नाम है, ये XYZ इसका नाम है, फिर हमने उसे लगा कि भाई ये प्लांट किंगडम में आ रहा है, फिर उसको हमने ग्रुप में डाल दिया, हमने कहा कि भाई ये सोलेनेसी का मेंबर है। तो हम एक पर्टिकुलर हायरार्की के हिसाब से उसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए याद कर सकते हैं कि इन तीनों चीज में हम क्या करते हैं, और ये ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नीट में यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कंपेरिजन, नेमिंग एंड ग्रुपिंग, और आपका ये है कि पहले आइडेंटिफिकेशन आएगा, फिर नॉमिनक्लेचर आएगा, एंड देन आपका क्लासिफिकेशन आएगा कि आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में उसे डालते हैं। तो हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की, और टैक्सोनॉमी के बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एक टॉपिक है जिसमें हम किसी प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं और देन उसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, किसी भी चीज का नामकरण, और इसमें आपकी ICBN और ICZN यहाँ पे काम करते हैं। ICBN आपका इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर और ICZN है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे देखिए ऑफ से ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि हम लिखते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा ये ऑफ होना चाहिए, इसी को चेंज करके क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे। तो ICBN और ICZN से क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉमेनक्लेचर, देखिए नॉमेनक्लेचर यानी जो नामकरण होगा उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन है। सपोज करिए हमने एक नाम लिखा, हम कोई भी नाम लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिखा सोलेनम ट्यूबोरसम, या हमने लिखा सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है, या हमने लिखा सोलेनम नाइग्रा। तो इसमें
एक जितने भी नाम हमने लिखे हैं, जैसे ये आपका पोटैटो है, इसमें ट्यूबर फॉर्मेशन होता है, ये मेलोंजिना जिसको हम मेलोंजिना का मतलब होता है एग प्लांट और नाइग्रा का मतलब होता है ब्लैड। तो हम ये दो चीज़ें जब हम भी किसी भी नाम को लिखते हैं वैज्ञानिक नाम को, तो उसमें दो चीज़ आती है, एक होता है जेनेरिक नेम, इसको आप कहते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए ये जो एपिथेट वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है, इसको समझिए। मान लीजिए ये एपिथेट अगर हमें समझना हो तो इंग्लिश वर्ड है ये, और इसमें हम ये समझेंगे कि भाई एपिथेट जो है आपका, इसका मान लीजिए किसी को हमने कहा कि भाई अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, हम ऐसे कहते हैं। तो ये जो द ग्रेट शब्द है ये एपिथेट है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि इसकी ये क्वालिटी है। तो जो ये आपका ये वाला एरिया होता है जिसको आप स्पेसिफिक एपिथेट या जिसको लोअर केस भी आप कहते हैं, तो ये जो लोअर केस होता है ये स्पेसिफिक एपिथेट होता है, यानी कि ये जो आपका जेनेरिक नेम है उसके उसको इसको ये प्रॉपर्टी बताते हैं। मान लीजिए हमने देखा मकोई, आपका नाइग्रा, सोलेनम नाइग्रा क्या होता है, मकोई, जो छोटा छोटा ब्लैक ब्लैक होता है, आप इसे जनरली रोड साइड्स में लगे रहते हैं, जब बचपन में हम लोग जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर हम उसे खाते थे तोड़ तोड़ कर, मीठा मीठा लगता था। तो ये नाइग्रा होता है ब्लैक होता है, तो हम इसे नाइग्रा का शब्द का मतलब होता है ब्लैक, तो हम कहते हैं कि ये एपिथेट जो है ब्लैक के कलर, वो कलर को बता रहा है। या अगर हम मेंजीफेरा इंडिका की बात करें तो इंडिका माने वो इंडिया की प्रजाति है, इंडिया में पाया जाता है, तो यानी वो उसको कोई प्रॉपर्टी दे रहा है। तो एपिथेट जो शब्द होता है वो लोअर केस में होता है और वो इस जनरा को कोई प्रॉपर्टी देता है, तो उसी को हम कहते हैं एपिथेट। अब अगर हम बात करें कि मान लीजिए आप इसको लेके चल रहे हैं कि सोलेनम ट्यूबोरसम, ठीक है, या मेंजीफेरा इंडिका, तो ये जो सबसे पहला नाम है वो जेनेरिक नेम है और ये स्पेसिफिक एपिथेट है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम कहते हैं कभी भी ये जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट एक नहीं होता है, ठीक है, सेम नहीं होगा। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये सेम हो भी सकता है, यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा टॉटोनिम का। टॉटोनिम क्या होता है कि मान लीजिए सोलेनम ट्यूबोरसम है, लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में टॉटोनिम का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हम कोबरा की बात करते हैं तो हम कहते हैं नाजा नाजा, नाजा नाजा, या हम अगर रैट की बात करते हैं तो रैटस रैटस, ठीक है। तो ये दोनों नाम, चाहे जेनेरिक नेम की बात करिए चाहे स्पेसिफिक एपिथेट की बात करिए, ये दोनों सेम है। तो ऐसे स्थिति में ये जो यहाँ पे जो रूल फॉलो होगा वो ये होगा कि इन केस ऑफ एनिमल्स ये चीज़ टॉटोनिम वाला कॉन्सेप्ट आएगा कि स्पेसिफिक जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आर द सेम, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन प्लांट्स में ये रूल कभी फॉलो नहीं होगा। कभी आपने नहीं देखा होगा कि मेंजीफेरा मेंजीफेरा लिखा है या सोलेनम सोलेनम लिखा है, इस तरह की बात आप नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एनिमल्स में होगा ही, जैसे मान लीजिए कि हम होमो सैपियंस हैं तो होमो सैपियंस तो अलग अलग है, जेनेरिक नेम होमो हो गया और आपका सैपियंस स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। तो यहाँ पे आप दूसरे नियम की अगर हम बात करते हैं कि जो आप जनरा लिखते हो, जेनेरिक नेम लिखते हो, वो हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, अंडरलाइन होता है, और अगर हम स्पीशीज की बात करें तो वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है और अंडरलाइन होता है। अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में होगा तो आपने देखा होगा ये इटैलिक्स में हमेशा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा इस तरह से लिखा रहता है, तो ये आप लिख नहीं सकते हैं, इसलिए आप इसे अंडरलाइन करते हैं, और अगर प्रिंटेड होता है तो ये हमेशा इटैलिक्स में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये बातें हो गई, अब हम बात करते हैं कि ठीक है वैलिड नेम क्या होता है। वैलिड नेम देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आपके ये नीट का क्वेश्चन आता है कि वैलिड नेम किसको कहेंगे। वैलिड नेम मान लीजिए हम एप्पल की अगर हम बात करते हैं, सेब की, तो सेब का जो नाम था, नाम है अभी भी, वो है पायरस मेलस, तो ये पहले आया था इसलिए इसका नाम माना जाएगा, और जो बाकी नाम आएंगे वो सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे, दे विल नॉट बी द वैलिड नेम। तो वैलिड नेम जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले ढूंढा गया वो आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर लिखें मेलस सिल्वेस्ट्रिस,
तो ये इसका सिनोनिम है जिसको बाद में ढूंढा गया। तो जितने भी आपके नाम देंगे जो भी ऑथर्स और इसके पहले पाइरस वेलस के बाद जितने भी आएंगे वो आपके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। अब हम अगर ऑथर साइटेशन की बात करते हैं, देखिए इससे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका ऑथर साइटेशन, ठीक है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मेंजीफेरा इंडिका लिन, इसका मतलब ये जो है ये ऑथर है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑथर है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे जिसमें हम जो कॉमन हम रूल्स की बात केवल डिस्कस कर रहे हैं कि हम जेनेरिक नेम एंड देन स्पेसिफिक एपिथेट, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, दूसरा जो लेटर स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल से शुरू होता है। तीसरी बात हम कहेंगे कि यहाँ पे जो नाम पहले आया उसको वैलिड नेम कहेंगे और बाकी के नाम हम क्या कहेंगे, सिनोनिम। उसके बाद अगर ऑथर साइटेशन की बात आएगी तो हम कहेंगे कि जिस ऑथर ने ढूंढा है उसका नाम इस जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। यानी LINN, ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है, ठीक है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम किसी भी साइंटिफिक नेमिंग को करते हैं विद द हेल्प ऑफ ICBN और ICZN के नॉर्म से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है।